हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इजाज अली, फिजिकल थेरापिस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आज एक एम्पोटेशन का केस है। इसको हम बोलते हैं ब्लो नी एम्पोटेशन या ट्रांसटिबियल एम्पोटेशन। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, बीइंग अ फिजिकल थेरापिस्ट, जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमने सबसे पहले उसके वूंड की असेसमेंट करनी है। अगर तो वूंड अच्छे तरीके से हील हो चुका है तो उसके बाद फिर हम फिजियोथेरापी प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे। तो फिजियोथेरापी प्रोटोकॉल में सबसे पहले क्या करना है, हमने जो इस ये जो बाकी कटा हुआ हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को ढीला छोड़ें जी, ढीला छोड़ें, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टंप। तो स्टंप को हमने प्रिपेयर करना होता है किसके लिए, प्रोस्थेसिस के लिए। जो हम मसनूई टांग लगाते हैं, लेग लगाते हैं, उसके लिए हम इस स्टंप को पहले प्रिपेयर करेंगे। अगर हम इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये स्टंप फूला हुआ होगा, इस पर स्वेलिंग होगी, तो जो प्रोस्थेसिस इस पे लगाया जाएगा उसके बाद इस पे प्रोस्थेसिस की फिटिंग सही तरीके से नहीं आएगी और स्टंप उसके अंदर यूं घूमेगा और पेशेंट अच्छे तरीके से ना खड़ा हो सकता है ना चल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने स्टंप केयर करनी है। तो स्टंप को कैसे हमने प्रिपेयर करना है, इसके लिए हमें चाहिए एक बैंडेज। तो बैंडेज को आपने इस तरह पकड़ना है ऊपर की तरफ, बैंडेज को यूं नहीं पकड़ना, ये गलत तरीका है बैंडेज पकड़ने का। और फिर पट्टी को आपने यूं नहीं करना या यूं गोल गोल नहीं करना, बैंडेज को आपने क्रॉस करना है, ये बिल्कुल एक क्रॉस बनाना है, यूं इधर हाथ रखेंगे, हाँ जी, ये क्रॉस बना के इसको अच्छे तरीके से आप यूं कवर कर लें, छोड़ दें जी आप। फिर आपने ये दूसरा क्रॉस यहाँ से ऊपर लेके जाना है, ये लाइक दिस। इसमें कोशिश करनी है आपने कि इसमें रिंकल बिल्कुल ना आए, ये फिर आपने इस तरह इस पे कोई भी टेप अप्लाई कर देनी है। अब इसमें ये एक कोन शेप हमने बनानी है, ये जो सामने वाला एरिया है इसकी हमने इसको क्रेप बैंडेज से कवर करना है ताकि ये बिल्कुल सुकड़ जाए, क्लोज हो जाए। अब मैं आपको इसको जो सेकंड स्टेप है उसमें कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताने लगा हूँ। ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है ताकि जो रेस्ट ऑफ जॉइंट है या जो रेजिड्यूल लिम है, जो बाकी टांग का हिस्सा है, वो मजबूत हो जाए, उसके मसल्स मजबूत हो जाएं, जॉइंट मजबूत हो जाए, इसमें जॉइंट कंट्रैक्चर ना बने। तो सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए आपको एक रोल चाहिए, अपने घुटने के नीचे आप एक रोल रखें, इसको ढीला छोड़ें जी। आपकी टांग के नीचे जो मैंने रोल रखा है ना, इससे अपनी टांग को नीचे दबाएं, दबाएं इसको नीचे, 1 2 3 4 5 छोड़ दें, हाँ जी, फिर दबाएं, छोड़ दें। यही एक्सरसाइज आप जो है वो हाथ से भी करवा सकते हैं, ढीला छोड़ें जी जोड़ को, चलें दबाएं नीचे, अब दबाएं नीचे, शाबाश जी, फिर से दबाएं नीचे, शाबाश। घुटने को टाइट करके टांग को ऊपर उठाएं, ऊपर नहीं 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 सीधा सीधा, इसको बैंड नहीं करना, सीधा उठाना है ऐसे, शाबाश जी। सर नहीं उठाना, सर नीचे रखें, उठाइए शाबाश, नीचे रख के फुल, फिर से उठाइए, शाबाश जी, गुड। बस इधर देखेंगे, अब आपने इस टांग को यूं बाहर की तरफ लेके आना, मेरी तरफ इसको बिल्कुल यूं साथ लेके आना आपने, ठीक है जी, हाँ लाइए ये, शाबाश जी, गुड। आप साइड करवट ले लें उस तरफ, आगे नहीं जानी चाहिए टांग, आगे नहीं जानी चाहिए टांग, बिल्कुल सीधी लेके आए ऊपर, शाबाश शाबाश जी, बस छोड़ दें जी, इजी हो जाए। अब आपने क्या करना, उल्टे लेटना पेट के बाल, टांग आपने सीधी ऊपर उठानी है, सीधा ऊपर उठाएं, सीधा सीधा सीधा, मोड़े नहीं इसको, सीधा रख के जी, शाबाश, उठाएं सीधा ऊपर, यूं मोड़ना नहीं है, सीधा ऊपर उठाएं, छोड़ दें, बस इजी हो जाए जी, ढीला छोड़ें जी, ढीला छोड़ें। जब मैंने आपको बोलना है तो आपने इसको सीधा ऊपर की तरफ ले जाना, ठीक है जी, चलें जोर लगाएं, सीधा करें जी, शाबाश, यस जी, ऊपर लाएं, शाबाश, ऊपर लाएं, शाबाश, ऊपर लाएं, शाबाश, शाबाश जी, ऊपर लाएं जी, शाबाश जी, इसको नीचे गद्दी से, गद्दी को दबाएं, छोड़ दें, हाँ जी, दबाएं गद्दी को, दबा के रखें, दबा के रखें, दबा के रखें, हाँ जी, दबाएं दबाएं, शाबाश, छोड़ दें जी, दबाएं, छोड़ दें, बस बैठ जाएं जी। इससे जो स्टंप है, जो कटा हुआ हिस्सा है, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर आप इस पे प्रोस्थेसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनको ये हफ्ता 10 दिन के लिए यही एक्सरसाइजेस करवाएंगे। आफ्टर 10 डेज हम दोबारा से इसको रीअसेस करेंगे। अगर हमें लगा कि वूंड अच्छे तरीके से हील हो चुका है,
और इसमें जो एक्सरसाइजेस से पावर भी इसकी डेवलप हो चुकी है, शेप अच्छे तरीके से बन चुकी है, तो फिर हम इस पर प्रोस्थेसिस अप्लाई करेंगे और फिर हम पेशेंट को खड़ा होने की और चलने की ट्रेनिंग देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर इजाज़ अली, अपना ख्याल रखिएगा।